हाय दोस्तों, या क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक पति पत्नी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको कैसे रिजॉल्व करें? हाँ, कहाँ आइए, तो अगर आपको उसमें दिलचस्पी है तो आप आ जाइए, सुनिए, ये वीडियो आपके लिए हैं। वरना भैया थैंक यू वेरी मच, आप ये वीडियो किसी और को पास कर सकते हैं। मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि मैंने कैसे, ये 20 साल से हूँ मैं, कैसे मैंने काउंसलिंग की, मेंटरिंग की ये हाउसवाइफ को। मेरे पास यंग हाउसवाइफ 32 इयर्स की एक मल्टीनेशनल एमएनसी के एग्जीक्यूटिव सी शीतल जी आए थे, तो उनके यहाँ हमने कैसे ट्रीटमेंट किया इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जनरली कहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए ट्रेनिंग, काउंसलिंग और मेंटरिंग में फ़र्क क्या है। हम जो मेंटरिंग में तो संभालते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ रिजल्ट ज़्यादा है। काउंसलिंग एंड टीचिंग जो होता है खाली ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, खाली इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके आगे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। टीचर के पास जाइए, उस सिलेबस के आगे बात नहीं करेगी। ट्रेनर के पास जाइए, सिलेबस के आगे बात नहीं करेगा। जब आप फ़ोन करेंगे हेल्प के लिए तो बोलेगा भैया आ जाइए, अब एडवांस प्रोग्राम है वहाँ पर, फिर एडवांस क्या, सुपर एडवांस, सुपर एडवांस के बाद डबल सुपर एडवांस। मगर आपको वो एक अध्यापक है, वो एक टीचर है, वो खाली आपको इन्फॉर्मेशन देगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके सिलेबस में नहीं है, उसने करा नहीं है। अगर आपको सेकेंड मेथड होता है कोचिंग मेथड, कोचिंग क्या, आपको स्विमिंग कोच जानते हैं, वॉलीबॉल कोच जानते हैं, फुटबॉल एड डूइंग यानी कराना है आपको, भैया ये करो आप, इसके रिज़ल्ट कैसे नहीं आएगा जरा दोनों देखते हैं, ये कहते हैं कोचिंग। तो मेंटरिंग जो होती है ये है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये कम्बिनेशन ऑफ टीचिंग और कोचिंग का कॉम्बिनेशन है मेंटरिंग। जिस तरह आपने एक बीज हमने डाल दिया ज़मीन पे, तो क्या होगा, इसका पौधा होगा, देन इट विल बिकम ए गार्डन, इट विल बिकम ए टी, इट बिकम गार्डन। तो मेंटर जो है ऐसा आदमी है जो आपके माइंड में एक बीज डालेगा, आपके साथ ही चलेगा, आपको जो है आपके टर्मिनस तक आपके हाथ पकड़ कर पहुँचा देगा, वही आप मेंटरिंग करते हैं। जनरली अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान में 90% कैसी काउंसलिंग होती है कि सपोज अभी अब शीतल जी आए तो हम क्या करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं, फैमिली के पूरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, उनके सास ससुर जितने भी आ जाए उनसे बात करके, उनका ने इन्फॉर्मेशन लेके, उनके फीडबैक लेके कहते हैं कि भैया शीतल जी आप ऐसा ऐसा बिहेव कीजिए, और ना आप हस्बैंड इज़ अनहैप्पी, वाइफ इज़ अनहैप्पी। तो इसे कहते हैं ब्लेम गेम सिंड्रोम। ब्लेम गेम क्या है, हस्बैंड का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वाइफ को बनना है, वाइफ के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ये तो कोई मॉडल नहीं है, नहीं हो सकता है। वी डोंट बिलीव इन दैट, वी नॉट एट ऑल बिलीव। हमारी जो क्वांटम साइकोलॉजी है, हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी साइकोलॉजी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आप जानते हैं माइंड में जो नर्व होती है, वो क्या है, हर एक आपके जब हैबिट फॉर्मेशन होता है, और जो हैबिट फॉर्मेशन होता है तो एक स्टाइल से वो जो है वो शेप लेता है न्यूरोसिटी, उसे उसके शेप अलग करने से उसकी आदत बन जाती है। मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे लाइफ में हुआ था कि मैं अपने बाएं हाथ से मैं खाना खाता था, यूजिंग माय लेफ्ट हैंडर। मेरी मम्मी पापा ने बहुत बार समझाया किया, तो एक बार स्केल से ऐसा मार पड़ा कि मैं छोड़ ही दिया। यानी क्या होगा, जब मेरा न्यूरॉन का शेप बदल गया, मेरी न्यूरॉन की शेप बदल गई, तो जब से जब भी मैं ये बना छोड़ दिया। सो इसे कहते हैं मसल मेमोरी, माइंड मेमोरी टू मसल मेमोरी, मसल मेमोरी यानी आदत हैबिट। तो हम मसल मेमोरी के हैबिट को रिवर्स कराते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ अ साइंस ऑफ डीकनेक्टिंग रीकनेक्टिंग, फर्स्ट डीकनेक्टिंग रिवायरिंग एंड रिकनेक्ट। हम न्यूरो हम आपको हस्बैंड वाइफ को ये एक डेस्टिनेशन में हाथ आता, उनको होमवर्क करना पड़ेगा, हर एक सेशन में होमवर्क होगा, होमवर्क के बिना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, जो आप माप नहीं कर सकते उसे आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आप पहले मुझे मालूम है आप कहाँ पे है, आप 6 पे है, 5 पे है या 3 पे है, तो मालूम होगा भाई मैं 3 पर हूँ तो मुझे अभी 7 मील जाना है, तो पहले मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ जाना है, इसकी जो सबसे पहली बात होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये आप ऑन स्काइप में आ सकते हैं, आप फेस टू फेस आ सकते हैं, हमारे मेंटरिंग क्लब पे आ सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए pdsundaram.com, वहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको। तकरीबन 20 साल से अराउंड 250 वीडियोस है और 250 पॉडकास्ट है, आपको रिजल्ट तो पक्का। आप एक काम कीजिए practu.com पे जाइए, और डॉक्टर्स की वेबसाइट है वहाँ पे, चेन्नई में जाइए और आप मेरा नाम डालिए वहाँ पे, आपको तकरीबन 100 लोगों का, मेरे जितने भी क्लाइंट्स मेंटर या मेंटीज जो मेरे पास आया है उनके लाइफ कैसी चेंज हुई, हमने कैसे होमवर्क किया, उन्होंने किया, वो डिटेल्स आपको मिलेगी।
उसके बाद में आप मेरे, अगर आप मेरा हेल्प चाहते हैं, अगर आप मुझे ट्रेनर बनना चाहते हैं, अगर आप मेंटर बनना चाहते हैं और किसी और को रेफर करना चाहते हैं, तो आइए, वेलकम, आप एक काम कर सकेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब, भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे क्वेश्चन डालिए, उसके आंसर मिल जाएंगे आपको। और आपको और एक काम करना है, दोस पीपल हु आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ कम टू माई लाइव वेबिनार। एवरी मंथ हमारे एक लाइव वेबिनार होता है, आप नीचे क्लिक कीजिए, आप हमारे लाइव वेबिनार में हमसे मिलिए। थैंक यू, सी यू, बाय।